हाँ जी दोस्तों, सब तो पहला तो मेरे वालों आप सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। इस वीडियो दे विच अज असी छेवीं जमात की वैलकम लाइफ का पाठ नंबर 3 करांगे। इहदे विच एक सानूं एक्टिविटी दित्ती हुई सी, किरिया दित्ती हुई सी, जिहदे विच असी ने कुछ सवालों के जवाब देने ने। यह जिहड़े सवालों के जवाब ने असी ने आलवेज समटाइम्स अते नैवर दे विच देने ने, भाव असी जो सवाल पुछांगे उन्हां दा जवाब तुसीं ने हमेशा कि वह कम तुसीं हमेशा करदे हो, समटाइम्स कदे कदे करदे हो, नैवर कदे भी नहीं करदे। इस तरीके नाल तुसीं जवाब देने, उस तो बाद तुहाडी इहदी नंबरिंग भी ऐड होवेगी। जो व्यक्ति जो बच्चा आलवेज ते जवाब देवेगा उसके 3 नंबर जुड़नगे, जो समटाइम्स ते जवाब देवेगा उहदे 2 जुड़नगे, जो नेवर दे जवाब देवेगा उहदा 1 जुड़ेगा। इस तरीके नाल उस तो बाद तुहाडी इह नंबरिंग भी काउंट कीती जाएगी। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर जो प्रश्न नंबर 1 है कि आई स्पीक टू माई पेरेंट्स रिस्पैक्टली रिस्पैक्टफुली, मैं अपने माता पिता के नाल सतिकार नाल गल करता हाँ। इसका जवाब तुसीं नहीं आलवेज समटाइम्स अते नेवर दे च देना है, ठीक है जी। इहदा जवाब होना चाहिए सी आलवेज, कि मैं हमेशा अपने माता पिता के नाल सतिकार नाल गल करता हाँ। आलवेज इहदा सही उत्तर होना चाहिए सी। उस तो बाद है जी प्रश्न नंबर 2, आई हैल्प विद हाउस शोल्ड श्योरस, मतलब जो मेरे काम ने घर के घरेलू काम ने उन्हें मैं माता पिता की सहायता करदा, बिल्कुल सही ऑलवेज उत्तर होना चाहिए यदा भी। उस तो बाद है प्रश्न नंबर 3, आई हैंग टू वैग टूगैदर विद माई शिवलिंग्स, मतलब भैन भाइयों रल मिल के रहना, रल मिल के घूमता खेडता यह काम करदा, यदा भी उत्तर साडा ऑलवेज स्थित होना चाहिए सी। उस तो बाद है प्रश्न नंबर 4, आई अपोलोलाइज्ड ऑन कमिटिंग मिसटेक्स, मैं माफ़ी मंग लैंदा जो गलतियाँ करना उनके उत्ते, ये भी बिल्कुल आलवेज के उत्तर होना चाहिए। उस तो बाद है जी आई अकॉम्पलिश द टास्क ऑन फस्ट कॉल ऑफ माई पेरेंट्स, जो मेरे माता पिता ने उन्होंने पहले बोल से मैं कहे लग जाना काम पूरा कर दिना, यदा भी उत्तर आलवेज के होना चाहिए सी। उस तो बाद है जी प्रश्न नंबर 6, आई क्लीन माई रूम myself, आई क्लीन माई रूम myself, मैं खुद आपके कमरे को साफ करना, बिल्कुल सही होना चाहिए सी। यदा भी आलवेज तुसीं आपके अकॉर्डिंग समटाइम नेवरे दे जवाब दे सकते हो, उस तो बाद नंबर भी काउंट कर लो तुसीं खुद दे। उस तो बाद है प्रश्न नंबर 7, आई शेयर एवरीथिंग विद माई शिवलिंग्स, जो भैन भरा ने मेरे मैं हरेक चीज़ उन्होंने नाल वंडदा, बिल्कुल सही होना चाहिए सी यदा भी उत्तर। उस तो बाद है जी प्रश्न नंबर 8, आई कीप माई प्रोमिसज मेड टू माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के जो वादे ने उन्हों का ध्यान रखना, उन्होंने भुलदा नहीं है, बनाई रखना उन्हों की कदर करना वादे की, यदा भी आलवेज के उत्तर होना चाहिए सी। उस तो बाद है जी प्रश्न नंबर 9, आई ट्राई टू कीप कॉन्जीनियल इनवायरमेंट एट माई होम, मैं अपने घर के हमेशा अनुकूल वातावरण बनाई रखदा, चंगा वातावरण बनाई रखदा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं गुस्सा नहीं, ठीक है, चंगा अनुकूल वातावरण बनाई रखदा, बिल्कुल सही होना चाहिए सी। उस तो बाद जी 10वां सवाल नंबर 10, आई रिमेन कॉल्म इवन वैन माई डिमांड इज़ नॉट फुलफिल्ड, भावें मेरिया इच्छावं सारियाँ कंप्लीट नहीं होंदिया, पूरियां नहीं होंदिया, फिर भी मैं शांत रहना, बिल्कुल सही, ठीक है जी। इस तरह ही साड़ी जो वीडियो है यह कंप्लीट हो चुकी है, उम्मीद करते हैं कि तुम इस वीडियो तो कुछ चंगा सीखा होगा, इसलिए इस वीडियो में अपने दोस्तों में शेयर जरूर करो। यह वीडियो इतों तक देखने सारे का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उस तो पहला एक गल तुम होर भी दसनी रह गई सी कि तुम एक स्क्रीन के उत्ते जी बॉक्स नज़र आ रहा ग्रीटिंग कार्ड के रूप में, यह तुसीं इहदे उत्ते आपदा जो भी तुहाडा फेवरेट है, दुनिया दे विचों फेवरेट है, कोई मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, ठीक है, कोई भी फ्रेंड है, तो तुसीं उहदा नाम लिख के यह ग्रीटिंग कार्ड जरूर फिल करो अपनी कॉपी ते, इस तरह बना लो, ठीक है जी। इहदा भाव यह होगा कि तुसीं किस नूं दुनिया दे विच सब तो बेस्ट मानते हो तो तुहाडा की लगता है, ठीक है जी। इस तरीके नाल तुसीं ग्रीटिंग तैयार करो ताकि तुसीं अपने रिलेशनस बारे समझ सको कि तुहाडा रिलेशन दे विच कौन सब तो वधिया रिलेशन है तुहाडी किस नाल, कोशिश करिया करो कि तुहाडे सारे नाल रिलेशन वधिया रहन। Thanks for watching this video.